कानपुर से खबर है, जहां पर श्रावण की बेला मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। छात्राओं ने अपने हाथों पर मनमोहक डिजाइन उकेरे हैं। कानपुर के सरसैया घाट चौराहा स्थित कैलाशनाथ बालिका इंटर कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता में स्कूल की 40 से 50 छात्राओं ने भाग लिया और अपने हाथों पर खुद से मेहंदी के मनमोहक डिजाइन बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज की कला विषय की अध्यापिका ने बताया कि अभी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन कानपुर के दक्षिण के स्कूलों में किया जाता था, लेकिन इस बार कानपुर उत्तर के स्कूलों पर चयन कर प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें से हर स्कूल से 5 विजेता घोषित हैं और पुरस्कृत भी किए जाएंगे। जी, मेरा नाम कामिनी दीक्षित है। मैं नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज की द्वई नगर ब्रांच में कला अध्यापिका के पद पर हूँ। ये सावन का महीना चल रहा है और सावन और मेहंदी का बड़ा कनेक्शन है। ये मैं कभी विस्तार से बताऊंगी, लेकिन ये सावन के महीने में हम लोग विगत कई वर्षों से मेहंदी प्रतियोगिता कराते चले आ रहे हैं। पहले तो मैं हम लोगों ने दक्षिण के स्कूल लिए थे, लेकिन इस बार हम लोग दक्षिण से इधर गंगा किनारे आ गए, इधर के स्कूल लिए मैंने। तो आज जो है हमारी प्रतियोगिता के लिए प्रथम चरण है। प्रतियोगिता 4 चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में हम कैलाशनाथ को लिया है। द्वितीय चरण हमारा 26 तारीख को कानपुर विद्या मंदिर में होने वाला है और तृतीय चरण हमारा 27 तारीख को MG सिविल लाइन्स में होगा और चतुर्थ चरण की अभी डेट नहीं आई है। इस प्रतियोगिता में जितने भी बच्चों ने भाग लिया है, यहाँ पे तो हमें काफ़ी बच्चों की संख्या दिख रही है, लगभग 40-50 बच्चे होंगे। जो भी बच्चे प्रतियोगी होंगे उनको हम एक रजिस्टर, एक पेन उनको पुरस्कार स्वरूप देंगे और इन बच्चों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और 2 कंसोलेशन प्राइज देंगे। ये जो 5 बच्चे हमारे विनर होंगे, हर स्कूल से 5 पास लेते हुए 20 बच्चे करेंगे, फिर 20 बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता करेंगे जिसमें हम फाइनल अपनी क्वीन को चुनेंगे। एक क्वीन होगी हमारी और फर्स्ट रनर अप एंड सेकेंड रनर अप होंगी।